हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 में हमारे जीए सेक्शन की क्या अप्रोच होनी चाहिए। पहले हम एनालाइज करते हैं 2019 की जो दोनों शिफ्ट हुई थी उसमें क्वेश्चंस का वेटेज किस टाइप से था जीए सेक्शन के अंदर। फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर्स 18 to 22 क्वेश्चन थे, करंट बैंकिंग अवेयरनेस 10 to 12 था, स्टैटिक जीए फाइनेंशियल प्लस नॉर्मल 10 to 12 थे। एंड अगर सेकंड शिफ्ट की हम बात करें तो करंट अफेयर्स 20 to 25 था, करंट बैंकिंग अवेयरनेस 13 to 14 था, एंड जो स्टैटिक जीए था बोथ फाइनेंशियल प्लस नॉर्मल वो 10 to 12 था। बेसिकली आपने यहाँ पे वेरिएशन देख रहे हैं कि करंट अफेयर जो फर्स्ट शिफ्ट में थे वो 18 to 22 थे ओनली, एंड सेकंड शिफ्ट में वो 20 to 25 हुए। बेसिकली 3-4 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ज़्यादा थे सेकंड शिफ्ट में। इसमें एस्पिरेंट ये भी कहते हैं कि मतलब हमारी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी या हमारी शिफ्ट इजी थी, ऐसा कुछ बोलते हैं एस्पिरेंट। बेसिकली वो मैटर नहीं करता है क्योंकि उसके लिए नॉर्मलाइजेशन होता है, और कई बार हमने ये भी देखा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, या फिर मतलब कई बार ये होता है कि एस्पिरेंट ये बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे मार्क्स कट गए, हमारा स्कोर ये इतना होना चाहिए था जीए में। इस पर हमें डिबेट नहीं करनी चाहिए, वो उनका स्केल है आईबीपीएस का, वो उसी टाइप से करता है। बट आई डोंट थिंक कि किसी के साथ पार्शलिटी इसमें होती है। बेसिकली हमें अच्छे से प्रिपरेशन अपना करना है, और इसमें 6 मंथ की करंट अफेयर हमें अच्छे से करनी पड़ेगी, और 4 मंथ हमें बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले के बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो अभी रिसेंट ट्रेंड जो आईबीपीएस का अभी जो एग्ज़ाम्स हुए थे 2019 वाले, इसमें जो रिसेंट ट्रेंड उसका था वो लास्ट 10 डेज से भी क्वेश्चंस पुट अप कर रहा था। जैसे हमने आईपीएस क्लर्क मेंस में कुछ क्वेश्चन देखे थे वो लास्ट फ्यू डेज से भी उसने पिकअप करे थे, जो 19 जनवरी को मेंस हुआ था उसमें उसने कुछ क्वेश्चन पिकअप करे थे। हो सकता है कि वो लास्ट फ्यू डेज पे भी फोकस करके चले। कहने की बात यह है कि 6 मंथ तो हमें करना ही है, प्लस अब जो भी डेट मेंस की हमें मिलती है एसबीआई की तरफ से तो उसमें हमें वो लास्ट के डेज पे भी फोकस करना है। यहाँ से अगर आप करेंगे तो आप पे लास्ट टाइम पे बर्डन नहीं रहेगा, और वो लास्ट के डेज की करंट अफेयर आप अच्छे से कर पाएंगे। एंड अगेन सेइंग कि अफेयर्स क्लाउड से अच्छा सोर्स कोई नहीं है, किसी भी यूट्यूब चैनल की वीडियोस पे मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अफेयर्स क्लाउड का जो कंटेंट है वो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, वो 30+ मार्क्स लाने के लिए मोर देन सफिशियंट है। इवन अगर आप बहुत ही अच्छे से उसको कर लेते हो तो मेरा ये मानना है कि 38 to 40 मार्क्स जीए में आपके आ सकते हैं अगर आप ओनली वन सोर्स अफेयर्स क्लाउड पे ट्रस्ट करते हो तो। एंड मैंने उसका मेथड बताया ही है, स्टडी पीडीएफ प्लस क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, आप कभी आपके बेकार मार्क्स नहीं आएंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, एंड एटलीस्ट 5-6 मंथ बिफोर एग्ज़ाम। एंड अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, अप टू डेट पीडीएफ आपको मिल जाएगी 2020 के अफेयर्स क्लाउड की। किसी को भी चाहिए हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट।